Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of judicial examination. I'm Dr. Vaseem I Khan, assistant professor Shri Shivaji Law College Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be public prosecutor constituted under a criminal procedure code 1973. We will discuss to who is having a power to appoint a public prosecutor, additional public prosecutor and assistant public prosecutor. As well as we will discuss the question asked by the examiner on this particular topic and the question which may be asked by the examiner on this topic. So, aaj ka hamara point of discussion rahega public prosecutor to section 24, 25 and 25A mein वो हम डिस्कस करने वाले हैं. इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स सेक्शन 24 डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और एक या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं. फॉर कंडक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन अपील एंड अदर प्रोसीडिंग. तो सेक्शन 24 में सब क्लॉज 1 में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग अ पावर टू अपॉइंट फॉर हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड वन एंड मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एनी प्रोसिक्यूशन एनी अपील और अदर प्रोसीडिंग. तो ये कंसेप्ट है. नेक्स्ट वन इज सब क्लॉज 2 डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया. सो इन सब क्लॉज 2 द स्टेट गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग अ पावर टू अपॉइंट एनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया. तो किसी लोकल एरिया या डिस्ट्रिक्ट में कोई केस को कंडक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकता है. सब क्लॉज 3 डील्स विद फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शाल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट. सो द स्टेट गवर्नमेंट इज हैविंग अ पावर टू अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन अ डिस्ट्रिक्ट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है वो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कर सकती है और एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट. द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शाल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम ऑफ पर्सन हु आर इन हिज ओपिनियन फिट टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट. तो द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज हैविंग अ पावर आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेशन जज टू प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम ऑफ पर्सन हु आर इन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू फिट टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट. तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सेशन जज के साथ कंसल्ट करके एक पैनल बनाएगा उनमें ऐसे पर्सन के नाम रहेंगे जो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है. तो एक पैनल तैयार करेगा कौन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज. अब यह होगा सब क्लॉज 5 डील्स विद नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4. सो वट एवर द पैनल प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 24
only person whose name is mentioned in that particular panel can be appointed by the state government as a public prosecutor. तो state government ऐसे person को ही public prosecutor appoint करेगा जिसका नाम उस panel में हो, जिस panel को district magistrate ने prepare किया है sub clause 4 में. Now sub clause 6 deals with notwithstanding anything contained in subsection 5, wherein a state there exists a regular cadre of prosecuting officer, the state government shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor only from among the person constituting such a cadre. तो अगर for example के subsection 5 के हिसाब से अगर कोई state government में अगर कोई cadre बनाया हुआ है prosecuting officer का कोई cadre है और the state government shall appoint a public prosecutor, additional public prosecutor only from among the person constituting such cadre. अगर कोई cadre है prosecuting officer का बनाया हुआ अगर district में या state में, तो state government उनमें से ही किसी person को as a public prosecutor और additional public prosecutor का appointment दे सकता है. Subsection 7 deals with only advocate who is having practice as an advocate for not less than 7 years is eligible for appointment. तो अगर public prosecutor या additional public prosecutor का appointment किसी को चाहिए, तो उसकी at least 7 years की practice होना चाहिए as an advocate. So only person whose practice is more than 7 years as an advocate, he can be appointed as a public prosecutor. तो उसका ही appointment public prosecutor के लिए हो सकता है. Subsection 8. The central government or the state government may appoint for the purpose of any case or class of case a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor. तो state government और central government को power है, वो किसी person को appoint कर सकते हैं as a special public prosecutor जिसकी practice 10 साल से ज्यादी हो. As a special public prosecutor उसका appointment हो सकता है कोई special case चलाने के लिए, तो 10 साल की practice उसके लिए जरूरी है. और यहां पर पीरियड ऑफ प्रैक्टिस कहां से शुरू होगा, ये बताया हुआ है सबसेक्शन 9 में कि जैसा ही वो उसका एज अ रजिस्ट्रेशन हो गया एज एन एडवोकेट, वहां से उसका पीरियड काउंट होगा 7 इयर्स और 9 इयर्स व्हाटएवर इट मे बी. प्रोबेबल क्वेश्चन व्हिच मे बी आस्क्ड ऑन सेक्शन 24, दैट इज हु इज हैविंग अ पावर टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 24 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट. तो यहां पर अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमने ऑलरेडी देखा कि फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर है अपॉइंट करने का. सो द आंसर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ द अबो आर करेक्ट. Another probable question is which of the following is the qualification for appointment of public prosecutor under section 20 of criminal procedure code 1973. Kya uska qualification hai appointment ke liye? First is not less than 10 year practice as an advocate. Second one is not less than 7 year practice as an advocate. Third one is not less than 5 years practice as an advocate. And fourth one is not less than 12 year practice as an advocate. So हमने already discuss किया कि public prosecutor के appointment के लिए not less than 7 year practice होना चाहिए, कम से कम 7 साल उसकी practice होना चाहिए तभी वो public prosecutor के लिए appoint हो सकता है, otherwise not. So option second is a correct one. Another probable question, which of the following is a qualification for appointment of special public prosecutor? Special public prosecutor के लिए क्या qualification है appointment के लिए? Not less than 10 year practice as an advocate, not less than 7 year practice, not less than 5 year practice and not less than 12 year practice. तो हमने देखा कि यहाँ पर not less than 10 year special public prosecutor के appointment के लिए उसकी कम से कम 10 साल की practice as an advocate होना जरूरी है तभी उसका appointment होगा as a special public prosecutor, otherwise not. Now section 25 deals with assistant public prosecutor. So the state government shall appoint in every district one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution in the court of magistrate. So in the court of magistrate for the purpose of conducting a prosecution, state government is having a power to appoint one or more assistant public prosecutors. So court of magistrate mein
प्रोसिक्यूशन के तरफ से केस लड़ने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कर सकती है। सब क्लॉज 1A, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केस इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है कि वो वन और एक या एक से ज्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कर सकती है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए। देन सब क्लॉज 2 डील्स विथ सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3, नो पुलिस ऑफिसर शाल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो सब क्लॉज 3 में बताया हुआ है उसको छोड़कर कोई भी पुलिस ऑफिसर एलिजिबल नहीं हो सकता काय के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब सब क्लॉज 3 डील्स विथ वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस। Suppose for the purpose of conducting any case, if no assistant public prosecutor is available, under such a circumstances, the district magistrate may appoint any other person to be assistant public prosecutor in charge of that case. तो वो केस को चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, किसी दूसरे पर्सन को एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चार्ज दे सकता है। कौन से सिचुएशन में? अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस चलाने के लिए नहीं है, उस सिचुएशन में किसी भी पर्सन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चार्ज दे सकता है एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शल नॉट बी सो अपॉइंटेड, कि पब्लिक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते एज अ पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इफ ही हैज टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इन टू द ऑफेंस विथ रिस्पेक्ट टू विच द अक्यूज्ड बीइंग प्रोसिक्यूटेड। तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर को एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता है जिस केस का इन्वेस्टिगेशन उसने खुद ने ही किया हो, उस सिचुएशन में। सेकंड वन इज इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, अगर उस पुलिस ऑफिसर की रैंक इंस्पेक्टर से नीचे है तो उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता। अब प्रोबेबल क्वेश्चन सेक्शन 25 पे पूछे जा सकते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन अपॉइंटेड। तो यहां पर हमने ऑलरेडी देखा कि ऊपर ही है सेक्शन 25 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। नाउ सेक्शन 25A, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। सो द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन consisting of a director of prosecution and as many deputy director of prosecution as it thinks fit. तो state government क्या करेगा, establish करेगा directorate of prosecution, उसमें कौन रहेंगे, director of prosecution और deputy director of prosecution. Advocate having practiced 10 years or more shall be eligible to be appointed as a director of prosecution or a deputy director of prosecution, and such appointment shall be made with the concurrence of the Chief Justice of High Court. तो ऐसा person जिसने as an advocate 10 साल की practice की हो, वो person eligible है किस चीज के लिए, appointment के लिए as a डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। उसका अपॉइंटमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, किसके सहमति के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के। द हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शल बी द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का हेड कौन रहेगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। हु शल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। वो जो होम डिपार्टमेंट स्टेट का है उसका जो हेड है उसके कंट्रोल में, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करेगा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। एवरी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शल बी सबॉर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो जो डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेशन में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24 to conduct cases in the High Court shall be subordinate to the Director
डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का केस चलाने के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट हुआ है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेशन में काम करेंगे। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, additional public prosecutor and special public prosecutor appointed by the state government under subsection 3 or subsection 8 of section 24 to conduct cases in the district court, and every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of section 25 shall be subordinate to the deputy director of prosecution। So jitne district mein jo prosecution ke cases chala rahe hain wo chahe public prosecutor ho, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, ये सब के सब किसके सबॉर्डिनेशन में रहेंगे? डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेशन में काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई द पावर एंड फंक्शन एंड एरिया ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के पावर एंड फंक्शन स्पेसिफाई करने का। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शन को एंटरटेन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो ये सेक्शन के प्रोविजन उसको लागू नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि एडवोकेट जनरल अगर एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेट काम नहीं करेगा, सेक्शन 25A के प्रोविजन उसको लागू नहीं होंगे। तो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोविजन। अब सेक्शन 25A पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है उसके लिए। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन उस पर पूछ सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।